हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ कविता जिंदौरी जायका में। आज मैं अपनी मम्मी की एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, भुट्टे का हलवा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 भुट्टे, 1 गिलास दूध, 1 कटोरी शक्कर, 4 चम्मच घी, कुछ ड्राई फ्रूट्स और इलायची। इन भुट्टों को हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। गर्म कढ़ाई में घी डाल लेंगे। घी के गर्म होने पर कद्दूकस किया हुआ भुट्टा डाल लेंगे। इसे हम 10 मिनट तक इसी तरह चलाते रहेंगे। मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रखा है, इसे हमें लगातार चलाते रहना है। देखिए, अभी इसे चलाते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं, इसे चलाते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे 5 मिनट के लिए। हम इसे बीच में चलाएंगे और फिर से ढक देंगे। अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। शक्कर ने पानी छोड़ दिया है। इसे फिर से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। इलायची पाउडर डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स भी डाल लेंगे। भुट्टे का हलवा बनकर तैयार है। आपको मेरा भुट्टे का हलवा पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। मैं लगातार कॉर्न की 15 रेसिपीज डालने वाली हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।